तो आज की वीडियो होने वाली है बोया MM1 माइक का फुल रिव्यू। तो क्या नाचो मैं? तो जैसे कोई बंदा अगर YouTube पे वीडियो बनाना चाहता है तो वो यही चाहता है कि उसकी ऑडियो क्वालिटी बेस्ट हो। स्टार्टिंग में जो भी प्राइस होता है माइक्स का, उसमें बोया MM1 माइक सबसे टॉप पे है। इसका प्राइस स्टार्ट होता है 1500 से, और जब मैंने इसको बाय किया था तब इसका प्राइस था 1630। अभी हम इसको अनबॉक्स करते हैं और फटाफट से मैं आपको बताता हूँ कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है जिसके लिए हमने इसको खरीदा है, और क्या ये वर्थ बाइंग है। मतलब अगर हमें 1600 रुपये फूकने हैं तो क्या हम इस माइक में फूकें या फिर कोई और माइक खरीदें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, अभी करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। अब क्या ये माइक 1500 रुपीस वर्थ है या फिर नहीं है, तो वो हम जानेंगे। अगर हम इस माइक का नाम पढ़े तो उसका नाम है बोया बाय MM1 कार्डियोइड माइक। अब कार्डियोइड का क्या मतलब है ये हम अभी समझते हैं। अब आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे टाइप के माइक होते हैं, जैसे कार्डियोइड और सुपर कार्डियोइड। तो जो मोस्ट अफोर्डेबल होते हैं वो होते हैं कार्डियोइड, और उसके ऊपर वाली रेंज होती है सुपर कार्डियोइड। इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये दोनों माइक का यूज सिनेरियो क्या है, मतलब कौन सा माइक कहाँ पे यूज होता है। तो गाइस मैंने अपना होमवर्क कर लिया है और अभी मैं आपको बताता हूँ कि कार्डियोइड और सुपर कार्डियोइड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जो कार्डियोइड माइक होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा माइक है, तो इसमें जो मेरी साउंड आएगी ना वो इतने एरिया की आएगी, मतलब पीछे की साउंड बिल्कुल नहीं आएगी जो बैक का जो एटमॉस्फेयर है। तो ये मेरे माइक का फ्रंट है, ठीक है, तो ये पूरे फ्रंट की आवाज़ आएगी लेकिन बैक की नहीं आएगी। जो सुपर कार्डियोइड माइक होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे ये माइक है और ये इसका फ्रंट है, तो सामने की जो वॉइस आएगी वो लिमिटेड होगी, पर इसमें बैक में भी आवाज़ आ सकती है। यानी इसमें क्या होता है, पीछे से भी थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है और जो आगे का फ्रंट एरिया होता है वो भी बड़ा होता है लेकिन इससे छोटा होता है। तो ये डिफरेंस है कार्डियोइड और सुपर कार्डियोइड में। मुझे पता है मेरी ड्राइंग बहुत ही ख़राब है, पर कोई बात नहीं, समझने के लिए थोड़ा बहुत चल जाता है। तो अभी कार्डियोइड माइक और सुपर कार्डियोइड माइक में आपको डिफरेंस तो पता चल ही गया होगा, पर अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि दोनों में से अच्छा कौन सा है और हमें कौन सा वाला खरीदना चाहिए। अभी दोनों के यूज्ड सिनेरियो अलग होते हैं। तो जो लोग ज़्यादातर व्लॉगिंग करते हैं वो लोग कार्डियोइड माइक को प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें बैकग्राउंड नॉइज़ बिल्कुल नहीं आता है, और जो सुपर कार्डियोइड माइक का लोग यूज़ करते हैं वो तब करते हैं जब वो किसी स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तब उनको थोड़ी सी, मतलब कहते हैं ना, आवाज़ थोड़ी रिच है, तो वो रिच वाली फीलिंग आती है सुपर कार्डियोइड में क्योंकि वो फ्रंट और बैक दोनों को यूज़ करता है। फ्रंट का ज़्यादा यूज़ करता है, बैक का थोड़ा कम यूज़ करता है, लेकिन कार्डियोइड में सिर्फ फ्रंट फ्रंट यूज़ होता है, बैक तो बिल्कुल कैंसिल ही कर देता है, और आती भी तो बहुत ही कम आती है, बिल्कुल ना के बराबर। अब क्योंकि बोया का MM1 माइक भी पूरा कार्डियोइड है, तो इसका एक टेस्ट सैंपल मैंने किया है रोड में, जहाँ पे मैं बाहर गया था, तो वहाँ पे मेरे पीछे रोड थी, काफ़ी बड़ी रोड थी, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ जा रही थी वहाँ से, काफ़ी ज़्यादा शोर था, तो इससे बड़े टेस्ट तो हो नहीं सकता था, तो मैंने वहाँ पे टेस्ट किया और ये है आपकी स्क्रीन पे वो टेस्ट। अभी ये ऑडियो सैंपल है इस माइक को बिना टच करे कैमरे में, तो अभी आपको जो मेरे बैकग्राउंड का नॉइस आ रहा है मुझे बताने कितना आ रहा है। और ये जो ऑडियो सैंपल अभी आप सुन रहे हो ये है माइक को लगाने के बाद, तो अभी मेरे बैकग्राउंड में कितना शोर आ रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। क्या हम बोया के M1 माइक को खरीदें व्लॉगिंग के लिए? तो अभी मैं इस तरीके से व्लॉगिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने ऐसे अपने ट्राइपॉड को पकड़ लिया है। अब इतना डिस्टेंस में मेरे को चाहिए कम से कम, क्योंकि मैं ऐसे अपना फेस तो नहीं दिखाऊंगा सीधा कैमरे के आगे, थोड़ा सा मतलब पीछे का व्यू भी आना चाहिए, तो मैं थोड़ा वाइड करूंगा। इससे हम अच्छी क्वालिटी चाहते हैं तो हमें इसके जितने पास हो सके उतने पास बोलना है। जैसे मैं अभी इतने पास लेके बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा क्लियर आ रही है, पर दिक्कत यह है कि मेरा जो कैमरे का व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा आ रहा है, मतलब सिर्फ इतना हिस्सा आ रहा है, जबकि मैं चाहता हूँ मेरा पूरा पूरा वाइड है। इसकी रेंज जो है फ्रंट की कम होती है, तो अभी जो मेरी आपको आवाज़ आ रही है ये इसी माइक से आ रही है। इसके अलावा हम पे ऑप्शन क्या है, जो जो रोड कंपनी है उसके जो माइक होते हैं उसकी सेंसिटिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो अगर मैं इतनी दूरी से भी व्लॉगिंग करता हूँ तो माइक उसे कैच कर लेता है और क्लियर वॉइस लेता है। तो बोया के मिक के साथ थोड़ी ये प्रॉब्लम है कि इसको हमें थोड़े आगे ले जाके बोलना पड़ेगा थोड़ी सी साफ़ आवाज़ के लिए। अब बात यह है कि क्या ये माइक मेरा पर्पस पूरा कर रहा है?
देखो यार, वैसे मेरे फोन का माइक भी कुछ कम नहीं है, मतलब काफी अच्छा माइक है, आप जैसे अभी आप सुन रहे हो, पर ये मात खा जाता है जब मैं बाहर व्लॉगिंग करता हूँ रोड साइड में, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा शोर होता है। उस सिचुएशन के लिए मैंने ये माइक खरीदा था जो कि बोया का था। तो ये माइक मेरे पर्पस को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको रिटर्न करने की, इसकी जगह पे थोड़े और पैसे इन्वेस्ट करके एक अच्छा माइक लेने की, जो कि मैं दूर से भी अगर बोलूं तो मेरी आवाज को वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रिकॉर्ड कर पाए, और मुझे ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि मुझे माइक के पास आके बोलना पड़ रहा है, जिससे मेरे कैमरे का पूरा फ्रेम खराब हो रहा है। टोटली मेरा ओपिनियन है कि मुझे उतना खास पसंद नहीं आया है, इसलिए मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा, पर अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास अगर वाइड एंगल कैमरा है तो वाइड में तो क्या है कि आप आगे जाके भी अगर बोलते हो कैमरे में तो वो वाइड ही शो करता है, तो उसमें माइक भी हमारे आगे आ सकता है तो आवाज़ भी क्रिस्टल क्लियर आ सकती है, तो वो डिपेंड करता है। खैर मेरे पास तो वाइड एंगल कैमरा नहीं है, तो मुझे तो ऐसे दूर से ही फ्रेम लेना पड़ता है। अगर आपको ये माइक खरीदना हो तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाके ओरिजिनल खरीदना, क्योंकि आपको पता ही होगा बोया के ओरिजिनल और फेक दोनों आते हैं, दोनों में डिफरेंस पता करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कौन सा ओरिजिनल है कौन सा फेक है, और इसकी भी एक नई वीडियो मैं लेकर आऊँगा कि कैसे पता करें ओरिजिनल और फेक के बीच में डिफरेंस। बोया के माइक के साथ एक और प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको ऑफलाइन मार्केट से जानते हो खरीदने के लिए, तो 90% चांसेस है कि वो आपको फेक माइक ही देंगे। तो मैंने ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ देखी यूट्यूब पर जो कि खुद ये क्लेम करते हैं कि वो ऑफलाइन मार्केट से गए थे और उनको फेक माइक मिला है। तो बोया का माइक तो आप खासकर ऑनलाइन ही खरीदना, क्योंकि ऑनलाइन आपको कम से कम ये गारंटी होगी कि आपको माइक ओरिजिनल मिल रहा है। तो गाइस अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको कैसे पता करना है कि आपका जो माइक आपने लिया है वो ओरिजिनल बोया का है या फिर वो फेक बोया का है, क्योंकि मार्केट में मैक्सिमम लोग फेक बोया बेचते हैं। सबसे पहली निशानी है यहाँ पे ये जो चाइनीज़ में लिखा हुआ है ना, ये अगर यहाँ पे चाइनीज़ में लिखा है इसका मतलब ये ओरिजिनल बोया है, क्योंकि ये बोया जो है वो एक चाइनीज़ कंपनी है, तो इसके बॉक्स में हमेशा चाइनीज़ में लिखा होगा, जबकि जो फेक बोया होगा उसमें बॉक्स में चाइनीज़ में नहीं लिखा होगा, सिर्फ इंग्लिश में लिखा होगा, ठीक है। गाइस सेकेंड पहचान ये है कि ये जो स्टिकर है ना, इसको जब आप निकालोगे, मैं इसको निकालता हूँ अभी, पर अभी एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा है, थोड़ी मेरे को दिक्कत हो रही निकालने में। गाइस देखो मैंने इसको निकाला तो यहाँ पे एक बारकोड आ गया, इस बारकोड को अगर आप स्कैन करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या फिर फेक है। बाकी गाइस तीसरी वाली निशानी ये है, अगर आप दुकान में अपने बॉक्स को खोलते हो, आप अगर बॉक्स खुलवाते हो ना शॉप में, वैसे तो वो नहीं मानते खोलने के लिए, पर अगर आप खुलवाते हो तो ओरिजिनल के अंदर ये वाला स्टिकर जो कि कंपनी की तरफ से दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपको ये पता लग सके कि चीज़ ओरिजिनल है या फिर फेक है, तो ये चीज़ आपको सिर्फ ओरिजिनल में डली मिलेगी, फेक में ये बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको तीन चीज़ें बता दी हैं। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो गाइज ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय। और अभी जो मेरी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है पर अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि